सर मेरा नाम पूनम मलिक है और मैं जीपीएस मॉडल टाउन समारका में कार्यरत हूँ जेबीटी अध्यापिका के रूप में और मेरा स्टेट मेरा डिस्ट्रिक्ट पानीपत और स्टेट मेरा हरियाणा है। वह कौन सा क्षण था जब बच्चों को पढ़ाते समय आपको एक नवाचार की आवश्यकता महसूस हुई? कृपया आप अपने नवाचार के बारे में दो पंक्तियां बताने का कष्ट करें। सर जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तब मेरे को प्राइमरी स्कूल में फिफ्थ क्लास मिली थी, तो फिफ्थ क्लास में जैसे मैंने देखा कि बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं और इनको जमा घटा की समझ नहीं है, मैथ में बिल्कुल भी समझ नहीं थी। फिर मैं जैसे सोनीपत से पानीपत संभाल कर जाती हूँ, ट्रेन या बस से जाती हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारी टिकट इकट्ठी हो गई थी, बस की भी ट्रेन की भी। फिर मैंने ये सोचा कि उनको बाहर फेंकने के बजाय इनसे कुछ नया किया जाए, तो मैंने उनसे बच्चों को, क्योंकि उनपे टिकट कितने रुपए की होती है वो उस पर लिखा ही होता है, और मेरे बच्चे जब मैं टिकट बाहर निकालती पर्स से तो वो मैडम मेरे को दे दो, उनको ये इच्छा होती थी मैडम हमें पकड़ाए। फिर मैंने उनसे बच्चे आपस में देखते कि इस पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है, फिर मैंने उनसे बच्चों से पूछना स्टार्ट किया कि बेटा इस पे कितने रुपए लिखे हुए, तो बच्चों को बताना शुरू किया 20 है 30 है। तो मैंने टिकटों के माध्यम से उनको जमा करना, घटा करना, पहले तो मैंने उनको एक गणना करने सिखाई, फिर टिकट्स के ऊपर वहां पर स्टेशनों के नाम भी लिखे होते हैं, हिंदी में भी लिखे होते हैं, इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, जो थोड़े लो होते हैं वो थोड़ा देर से पकड़ते हैं। तो बच्चों ने अक्षर भी जोड़ने स्टार्ट कर दिए, कुछ बच्चों को पता था कि मैडम इतनी दूर से आती है, तो बच्चे पढ़ते मैडम आप वहां से आते हो, सोनीपत से आते हो, मैं कहा हाँ बेटा, तो बच्चों ने हिंदी पढ़ ली इससे, और जो इंटेलिजेंट इंग्लिश में भी लिखा होता है उसी के नीचे इंग्लिश में लिखा होता है तो वो भी बच्चों को पढ़ने आ गई। फिर टिकटों के माध्यम से मैंने बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा भी सिखाई, बच्चों को बताया बेटा ये कागज है, हमें कागजों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये पेड़ से बनते हैं, पेड़ों से कागज बनते हैं, टिकट भी कागजों से बनते हैं। तो इससे हमें बच्चों को बताया कि भाई कागज को बचाओगे तुम्हारे पेड़ बचेंगे, हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहेगा, हरियाली रहेगी। तो इस टिकटों के माध्यम से मैंने गणित की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, पर्यावरण शिक्षा जो होती है, पर्यावरण अध्ययन जो हमारे प्राइमरी क्लास में सब्जेक्ट में होता है, परिवेश अध्ययन, उसकी भी शिक्षा। आपके अनुसार आपके नवाचार में क्या नवीनता है? मेरे नवाचार में सर ये नवीनता है कि मैंने बिना कोई पैसा खर्च किए बच्चों को, क्योंकि मेरे लिए तो वो वेस्ट थी, एक बार जो टिकट है वो सर, तो मेरे लिए वो वेस्ट थी, और मैंने बिना कोई खर्च किए, ना कोई बच्चों का खर्च, ना मेरा, ना स्कूल का, और मैंने इसके बच्चे खेल खेल रहे इसके द्वारा बच्चों को जो है गणना, जोड़ना, घटाना, हिंदी, इंग्लिश और अपने समाज परिवेश के बारे में सब कुछ उनको जानकारी मिली, और बच्चों का ऐसे भी शौक बढ़ गया, और उन्होंने और जगह से भी और सोर्सेज से भी टिकटे और जो पैसे बच्चे खेल खेलने जो रुपए नोट इकट्ठे करते वो भी करने सीखे, और बच्चे क्या है एक्टिविटी अपने आप करने लगे, ड्राइवर कंडक्टर बन जाते हैं, और फिर वो आपस में करते कि ना भाई मेरे को वो नकली नोट ले आते कि मेरे को इतने की टिकट देने वाले, तो वैसे उनको जोड़ना घटाना पैसे का लेन देन ये भी सीख गए। आपने कब महसूस किया कि आपके नवाचार ने छात्रों में सफलतापूर्वक एक परिवर्तन ला दिया है? जब मैंने बच्चों को देखा कि वो तो ना जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं, उनके माँ बाप भी बताते आते हैं कि भाई अब तो ये है ना दुकान से कुछ सामान मंगाते तो ले आते हैं, और स्कूल में भी जैसे हमारे वहां कोई मल्टीपर्पज वगैरह तो है नहीं, तो कुछ भी काम होता है, पांचवी क्लास के बच्चे सबसे बड़े थे, हम उन्हीं कोई बुलाते जो बड़े बच्चे समझदार बच्चे हैं, भाई कोई सामान मंगाना होता तो पैसे बैठ के रुपए का हिसाब बता देते, तो मैं पता चल गया बच्चों को इनसे समझ तो नहीं है।